फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन के कोफ्ते कैसे बनते हैं। ये बहुत इजी बन जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। 1 किलो चिकन को बोनलेस कर लिया है। अब मैं इसको कट कर लूंगी, छोटे छोटे पीस काट लूंगी इसके, ताकि ये पिसने में आसानी हो। देखिए इस तरह इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे, छोटे छोटे ये। और ध्यान रहे, जब आप इसको काटेंगे, कट करेंगे, मशीन में डालेंगे पिसने के लिए, तो इसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। आप चेक कर लेंगे इस चीज को। मैंने इसको पीस लिया है। देखिए ये हमारा चिकन कीमा ये रेडी हो गया है। बाकी चिकन को भी मैं इसी तरह इसमें ग्राइंडर में पीस लूंगी, और बारीक पीसना है इस तरह। चिकन को ग्राइंड करने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 बड़ा प्याज काट कर, और मैंने यहाँ पे अदरक ली है, और थोड़ा सा ये मैंने लहसुन लिया है। हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और 3 मिर्चें, हरा धनिया और छोटा प्याज हम इसको चॉप कर लेंगे, बारीक काट लेंगे इसमें अपने कीमे में डालने के लिए। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ये हमने ये चॉपर में डाल दिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने 3 ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। अगर गोश्त आपका ज़्यादा है, चिकन ज़्यादा है, तो आप उसमें ऐड और ज़्यादा करेंगे मसाले। और इसमें मैं डालूँगी अब ये प्याज। अब मैं इसको बारीक इसमें चॉपर में पीस लूंगी, और आप इसको हाथ से भी पीस सकते हैं इस तरह। देखिए हमारा कीमा तैयार हो गया है पीसकर। ये मैंने बारीक पीस लिया है। देखिए इसमें हड्डी नहीं है बिल्कुल भी, इसको अच्छी तरह से पीसेंगे हम। अब इसमें मैं ऐड करूंगी, मैंने आपको बताया था, हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च मैं इसमें डाल दूंगी। ये सारे इसमें जाएंगे, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, और 1/2 चम्मच नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये हमने चिकन में सारा हरा मसाला और मसाले मिला लिए। अब हम इसको सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, स्टफिंग कर लेंगे इसकी। ऑयल के बोतल में दिखाना। चलो 1 2 3 अभी बंद। इसमें हम अपने इस चिकन में मसालों के साथ इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ताकि ये हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से बन जाए, खुले ना। थोड़ा सा डालेंगे बस। इसमें मैं ये पिसे हुए चने डाल रही हूँ। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। आप इसमें बेसन, चने कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन पिसे हुए डालें, इससे खुशबू अच्छी आती है। 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, मैंने 1 चम्मच डाला है। अब हम ये हमारा सारा मिक्स हो गया है चिकन मसालों के साथ, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी ग्रेवी, इसका मसाला कैसे तैयार करेंगे। तेल डालूंगी। अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चमचा ऑयल डालेंगे, तेल को गर्म कर लेंगे। यहाँ पर हम तेल में डालेंगे, मैंने गरम मसाले ले लिए हैं, बड़ी इलायची, लौंग, व्हाइट इलायची और जायफल। इसमें आप गरम मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और इसमें 2-3 तेज के पात के पत्ते जाएंगे। तेज पात के पत्ते डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना पेस्ट बना हुआ जो हमने बनाया था, ये पेस्ट प्याज अदरक लहसुन से जो तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये 2 मैंने यहाँ पे दिया है, 2 चम्मच धनिया, और यहाँ कश्मीरी मिर्च लिए मैंने थोड़ी सी 1/2 चम्मच से कम, और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच ये लाल मिर्च। आप अपने हिसाब से डालें नमक। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। अब हम इसको मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। तब तक हमारा तेल आता है, हम इसको तेज आंच से भून लेंगे। जितनी हमारा मसाला भूनता है, इतने मैं आपको बता देती हूँ हम कोफ्ते किस तरह बांधेंगे, किस तरह बनाएंगे। अब ये हम अपना ये सारा जो हमने चिकन तैयार किया था मसाले डाल के, अब हम इसे ले लेंगे और इसको इस तरह से हम इसको शेप देंगे। इस तरह से हल्के हाथ से करना है, और फिर ऐसे गोल घुमाना है।
ध्यान रहे आपके जो कोफ्ते हैं वो ज्यादा बड़े ना बने, क्योंकि ये बनने के बाद जब हमारे मसाले में जाएंगे तो ये और बड़े हो जाएंगे। अब इसी तरह हम सारे बना लेंगे। हम इसमें ऊपर से तेल लगाया था हमने, हम अगर हमारे कोफ्ते नहीं बन रहे तो हम हाथों पर भी थोड़ा सा तेल लगाकर उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे बना लेंगे। ये हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। देखिए मैंने इसको गोल शेप दे दी है। अब हम इसको, ये हमारा मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है। ये देखिए इसमें ऑयल आ गया है। अब हम इस मसाले में इनको छोड़ देंगे, एक एक करके डालना है इस तरह। ये आधा कटोरी पानी, ताकि ये मेरे कोफ्ते जो इसमें मैंने डाले हैं ये लगे ना नीचे से। अब मैं इसको चलाऊंगी नहीं, याद ध्यान रहे ये चलाने नहीं है आपको। अगर आप इनको चलाएंगे शुरू में तो ये टूट जाएंगे। हम इसको लो हाई फ्लेम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको चलाएंगे, ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। हम इसको तैयार कर लेते हैं। पकते पकते 5 मिनट हो गए, हम इसको खोल कर देखेंगे। ये देखिए ये एक साइड से नीचे से पक गए, इसमें अच्छी तरह ये बन रहे हैं। अब हम इसको पलट देंगे, आराम से पलटना है, चलाना नहीं है पूरे मसाले को, इस तरह करके हमें सारे प्लेट दूंगी। कोफ्ते हमने सारे पलट दिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप, बहुत ही कम लिया है मैंने यहाँ पे, ताकि नीचे से लगे ना। और अब इसको हम हल्का गैस कर लो, एकदम हल्का गैस करके इसको ढककर पकने देंगे 10 मिनट के लिए। ये पकते पकते इसको 10 मिनट हो गए, आइए चेक करते हैं। ये देखिए किस तरह इसमें अच्छी तरह इसमें ऑयल ऊपर आ गया है, ये कितनी अच्छी तरी आ रही है, एकदम इतना प्यारा कलर आ रहा है। और ये हमारे कोफ्ते, ये भी पूरे बनके रेडी हो गए हैं, ये पक्के हो गए हैं, ये अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब ये हम इसमें डाल, ये कटी हुई मिर्चें जो मैंने बीच में से कट लगाया है, और हरा धनिया हम इसमें डाल दूंगी। देखिए ये चिकन के कोफ्ते बनके रेडी हो गए हैं। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इन्हें सर्व करूंगी। तो ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे बताएं। ये घर में बहुत इजी बन गए हैं ये, और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में ये चिकन कोफ्ते। इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाएं। इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी और फ्री मिलेगी। सपोर्ट करें, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।